अस्सलाम वालेकुम, हेयर इज़ मैम सनिया विद केमिस्ट्री क्लास। सो ओपन पेज नंबर 35 ऑफ योर बुक। टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये क्या है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, ये आपके पास एक एटम है, ठीक है, ये आपके को एक एटम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एटम के स्ट्रक्चर में देखिए, सेंटर में आपके पास क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये क्या है आपके पास? ऑर्बिट्स हैं, या फिर इन्हें हम शेल्स कहते हैं। ठीक है, मींस ये जो सर्कल है ये क्या है? या तो ये ऑर्बिट्स हैं, या फिर हम इन्हें, इनका सेकेंड नेम क्या है? शेल्स। ठीक है, या हम इन्हें ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, इन्हें शेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस है, और ये इसके इर्द गिर्द आपके पास क्या है? शेल्स है। अब इन शेल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? इन शेल्स के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें, अब इन शेल्स के भी नेम है। अब फर्स्ट शेल देखें, ये बॉक्स देखें इसमें। अब देखें, ये फर्स्ट शेल है, इसका क्या नेम है? के शेल। सेकेंड शेल एल शेल। अब फर्स्ट शेल क्या होगा? न्यूक्लियस के करीब जो है, जो फर्स्ट शेल बना होगा, न्यूक्लियस के करीब जो शेल होगा, इट मीन्स वो क्या है? फर्स्ट शेल। ठीक है, फिर हम आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा? इस शेल का क्या नेम होगा? एल शेल। उसके बाद हम इसे आगे मूव करेंगे, थर्ड क्या है? एम शेल। एंड फोर्थ शेल का क्या नेम है? एन शेल। ठीक है, तो शेल्स कौन से हुए? फर्स्ट शेल का क्या नेम है? के शेल। सेकेंड शेल इज एल शेल। थर्ड वन इज एम शेल। एंड फोर्थ वन इज एन शेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये मतलब है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जितने भी ये शेल्स हैं, इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, फिर दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के इर्द के लिए जो शेल्स हैं, हमने इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, सेकेंड में कितने करने हैं, थर्ड में कितने करने हैं, फोर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इन्हें कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस चीज़ को क्या कह रही है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें, अब किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एल में कितने आएंगे, एम में कितने आएंगे, एन में कितने आएंगे। ठीक है, अब ये देखें, के शेल कैन अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन्स, कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, के शेल कौन सा है? ये आपके पास फर्स्ट शेल। ठीक है, इसमें देखें आप, ये एक मैंने रेड, ये आपको नजर आ रहा है डॉट, ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स पुट किए हैं। ये सेकेंड आपको रेड शेल नजर, रेड इलेक्ट्रॉन सर्कल नजर आ रहा है, मीन्स ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए, मैंने वन एंड टू, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एल शेल कैन अकोमोडेट एट इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? एट। ये आपके पास एल शेल है ना, देखिए मैंने ये टू यहाँ पे कर लिए, ठीक है, फिर उसके बाद टू मीन्स फोर हो गए, फिर उसके बाद टू सिक्स, और उसके बाद फिर टू, ये कितने हो गए टोटल? एट इलेक्ट्रॉन्स। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? टू। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एम शेल। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 18। ठीक है, ये देखें क्या है, एम शेल कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स, कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब 18 इलेक्ट्रॉन्स आपने कैसे पूरे करने हैं? देखिए, आपने फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए? टू। सेकेंड में आपने कितने ऐड किए? एट। अब के और एल के शेल इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड करें तो कितने होंगे? टू एंड एट, टेन। अब M शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करेंगे कि ये 18 बन जाएंगे? मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करूंगी तो ये टोटल, जब मैं इनको ऐड करूंगी तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये किस तरह से मैंने ऐड किए हैं, ये जब सब शेल का ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने 2 और 8 और 18 किस तरह से ये मैंने पुट किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में जब 2 थे, सेकंड में 8, ये टोटल मिला के क्या हो गए? 10। अब एम शेल में मैं कितने ऐड करूंगी कि वो 18 हो जाएंगे? 8 और इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगी तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 18। मींस 2 के शेल के, एल शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 एंड 2 10, फिर एम शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्लस 8 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद क्या बच गया, एन शेल। एन शेल कैन अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन। एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 32। ठीक है, ये देखें आपको लिखा हुआ है एम, एन शेल कैन अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन्स, के एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, 2। एल शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। एम शेल कैन अकोमोडेट, एम शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18। और एन शेल के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 32। ठीक है, अब देखिए इस, जब मैंने आपको डेफिनेशन की करवाई थी तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। सो इट मीन्स कि जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिट्स के अंदर, इन शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, ठीक है, इस टर्म को क्या कहूंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही, अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना कि देखिए के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डालूं और मैं नेक्स्ट शेल बना लूं, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। मैं जब तक यहाँ पे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं करूंगी, मैं नेक्स्ट शेल नहीं बना सकती। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे 1, 2 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर मैंने नेक्स्ट शेल बनाया, मैंने उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, यहाँ पे ये देखिए 2, ये 4, ये 6 और ये 8। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करके नेक्स्ट शेल अपनी मर्जी से बना दूँ और उसमें ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ। नहीं, इन शेल्स में मुझे इलेक्ट्रॉन जितने मैंने कहे हैं, इसमें मुझे 2 चाहिए, 8, 18, 32, इस तरह से ये कंप्लीट होने चाहिए, फिर मैं नेक्स्ट शेल बना सकती हूँ। ठीक है, मींस कि जब तक आप फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं करेंगे, तब तक आप एल शेल नहीं बना सकते। मींस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने ऐड किया, आप ये नहीं कर सकते कि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन आप नेक्स्ट शेल में कर दो। ठीक है, इसी तरह से एल शेल में आपको एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स डालें, एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में डाल दें। नहीं, जब तक ये शेल कंप्लीट नहीं होगा, आप नेक्स्ट शेल में नहीं जा सकते। ठीक है, अब देखें ये सब शेल का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे आप एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मैं आपको सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, फिर मैं एक क्वेश्चन के 2 आगे पार्ट्स बना दूं, ठीक है, इसी तरह से ये शेल्स हैं, इनके आगे पार्ट्स होते हैं, उनको सब शेल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन के पार्ट्स करते हैं, इसी तरह से शेल्स के जो पार्ट्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सब शेल कहेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, फर्स्ट शेल क्या है, के शेल। ठीक है, उसके सब शेल को हम क्या नेम देंगे, एस सब शेल। मींस ये जो के शेल है, इसका जो आगे पार्ट होगा, उसका जो आगे सब शेल होगा, उसको मैं क्या नेम दूंगी, एस सब शेल। ये स्मॉल लेटर होगा, कैपिटल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, एल। अब इस एल के 2 सब शेल होंगे, एक होगा एस सब शेल और दूसरा होगा पी सब शेल। ठीक है, मींस ये जो एल है इसमें 2 सब शेल होंगे, ये देखें इस तरह से। ठीक है, ये एस सब शेल, ये पी सब शेल, ये फिर एम है, इसमें 3 सब शेल होंगे, कौन कौन से, एस पी डी। ठीक है, ये इस तरह से, ये एस सब शेल, देन पी सब शेल, देन डी सब शेल। ठीक है, देन आपके पास क्या है, एन एन शेल है ना आपके पास, एन शेल में 4 सब शेल होंगे, फर्स्ट क्या है, एस पी डी, मतलब ये जो ऊपर वाले 3 थे वो पहले, और लास्ट क्या सब शेल होगा, एफ सब शेल। ठीक है, तो अब आपने ये चीज याद रखनी है कि जो शेल्स के सब शेल होंगे, K में कितने सब शेल होंगे, 1, क्या नेम है, S। L में कितने सब शेल होंगे, 2, क्या नेम है, S एंड P। M में आपने जो पीछे पिछला जो सब शेल है आपने उसको साथ ऐड करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, M शेल, उसके कितने सब शेल है, 3, S P एंड D। नेक्स्ट उसके पास आपके पास क्या है, N शेल, N शेल में कितने सब शेल है, 4 सॉरी, S P D एंड F। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, एम में कितने होते हैं, 18, एन शेल कैन अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एस पी डी एफ जो है, ये इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन, किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट क्या है, एस, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। ठीक है, मीन्स ये जो के शेल है, इसका ये जो एस सब शेल है, इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट शेल में जाऊंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, एल शेल, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स सब शेल्स होंगे, 2, एस एंड पी। ठीक है, एस एंड पी होंगे ना। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि एल शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स कहा था ना, एल शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब ये 8 किस तरह से पूरे होते हैं, सब शेल कितने हैं इसके पास, 2। देखिए ये एस सब शेल है फर्स्ट, ये सेकेंड क्या है, पी सब शेल। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये आपने याद रखने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, अब आप इनको ऐड करें। फर्स्ट शेल ये था ना, फर्स्ट सब शेल एस वन एंड टू, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास सब शेल क्या है, पी सब शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। एक ये पेयर, एक ये आपके पास पेयर और एक ये आपके पास पेयर, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और टू इलेक्ट्रॉन इस एस सब शेल में थे, सिक्स प्लस टू एट, तो इस एल शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एट, ठीक है। इस तरह से ये एट बनेंगे कि इस एल में दो सब शेल होते हैं, कौन कौन से सब शेल होते हैं, एस एंड पी। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स डलेंगे, टू, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सिक्स, ठीक है, सिक्स प्लस टू एट, तो एट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एल शेल के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, एम शेल, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस पी एंड डी। अब एस के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हो, टू, पी के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हो, सिक्स। अब डी के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हो, टेन, मीन्स ये टू पहले आपने यहाँ पे ऐड किए, यहाँ पे आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, सिक्स, ठीक है, सिक्स प्लस टू कितने हो गए, एट। अब डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, टेन, ठीक है, ये देखें इस तरह से हम बनाएंगे ये, ठीक है। फर्स्ट में कितने आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, टू, नेक्स्ट में आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, सिक्स, उसके बाद डी सब शेल आएगा उसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, टेन। अब इन टोटल को काउंट करें कितने आएंगे, टू, सिक्स और टू एट, एट और टेन एटीन, ठीक है। तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एटीन। इसी तरह से हम एन शेल का भी करेंगे, एन शेल में कितने सब शेल होंगे, एस पी डी एंड एफ। अब एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, टू, पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, सिक्स, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, टेन, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फोर्टीन, ठीक है। तो अब जब आप इन सब को टोटल करेंगे तो ये कितने शेल इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, थर्टी टू। इट मीन्स एन के अंदर, एन शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, थर्टी टू, ठीक है। शेल्स क्या होंगे कि मेन जो होगा एनर्जी लेवल, ठीक है। जैसे आप एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, वो आपका हो गया सपोज करें शेल। अब उस क्वेश्चन के मैं जितने पार्ट्स बना दूंगी वो आपके क्या हो जाएंगे, सब शेल, ठीक है। तो जो मेन मेरे पास होंगे ऑर्बिट्स उनको मैं क्या कहूंगी, शेल्स। जो आगे इनके पार्ट्स होंगे उनको मैं क्या कहूंगी, सब शेल। शेल क्या है, के एल एम एन, के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, टू, एल में एट, फिर एटीन, एन शेल में थर्टी टू। सब शेल एस पी डी एंड एफ, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, टू, पी में सिक्स, डी में टेन, एंड एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फोर्टीन, टू सिक्स टेन एंड फोर्टीन, ठीक है। अब आपने देखिए क्या करना है इस टॉपिक में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की पहले आप हेडिंग देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है फर्स्ट लाइन से लेके यहाँ तक। देन आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की थर्ड लाइन पे हेडिंग देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लेवल तक आप इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। ये आपने इस तरह से जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही सब है कि पहले लेवल, पहले आप इस एक एनर्जी लेवल को फिल करेंगे, देन आप नेक्स्ट में मूव कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। फिर आपको पता होना चाहिए कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में कितने आ सकते हैं, एम में कितने आ सकते हैं, ठीक है, पेज नंबर 35, सही। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एन शेल का बताया हुआ है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको, हाँ एक चीज़, एक और, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब था कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, ठीक है। अब देखिए उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, मीन्स हमें किन बातों का पता होना चाहिए जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अब मुझे अगर एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज करें मुझे किसी बता दिया गया है कि एक एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो देखें मैं फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगी, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगी, ये थर्ड शेल नहीं बनाऊंगी, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं पता होंगे तो मैं किस चीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट चीज जो मैंने अपने माइंड में रखनी है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कि किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनकी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सेकेंड क्या है, द सीक्वेंस ऑफ शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। मुझे पता होना चाहिए कि फर्स्ट शेल क्या है मेरे पास, एल शेल है, सेकेंड एल है, थर्ड एम है। मुझे पता होना चाहिए फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर मुझे सीक्वेंस पता होगी ना कि के एल एम, तो फिर ही मैं ऐड कर सकूंगी ना, पैके मैंने फर्स्ट में मुझे पता है ये मेरे पास के शेल है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, सेकेंड मेरे पास एल शेल है, ये मैंने इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, ठीक है। या अगर मैं सब शेल में से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास फर्स्ट शेल क्या है, एस है, ठीक है,
फिर सेकेंड सॉरी फर्स्ट सब शेल क्या है, एस सब शेल है, सेकेंड मेरे पास के शेल है, उसके कितने एल शेल है, उसके कितने सब शेल है, टू एस एंड पी, उसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, सीक्वेंस मुझे पता होनी चाहिए। देन क्या है कि एस के बाद पी आता है, फिर पी के बाद डी आता है, डी के बाद एफ आता है, ये सीक्वेंस मुझे पता होनी चाहिए शेल्स एंड सब शेल की। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल, कि एक शेल या सब शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मुझे ये भी पता होना चाहिए। मीन्स के अगर मैं इस तरह से ये कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स की, तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये सेकंड है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, या फिर मुझे ये पता होना चाहिए ये एस है, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी के अंदर कितने आ सकते हैं, डी के अंदर कितने आ सकते हैं, ठीक है, मुझे सीक्वेंस पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मुझे तीन चीज़ों का पता होना लाजमी है। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स एंड सब शेल में मैंने सेट करना है। सेकंड मुझे शेल्स एंड सब शेल्स के सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि फर्स्ट पे एस आ रहा है, फिर पी आ रहा है, फिर डी आएगा, फिर एफ आएगा, इस तरह से, ठीक है। थर्ड पे मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने के मैं एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकती हूँ, मैं पी सब शेल के अंदर कितने ऐड कर सकती हूँ, डी के अंदर मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे मतलब ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आपका क्या काम है कि अब आपने एक दफ़ा अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन को याद करना है, ठीक है, फिर आपने के एल एम एन शेल्स को जो है वो ये याद करना है कि शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, देन आपने सब शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर सकते हैं, आपने ये करना है। और लास्ट थिंग कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मुझे किन किन बातों को अपने माइंड में रखना है, ये आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। फिर कल इंशाल्लाह मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी कि किस तरह से करेंगे। हैव अ नाइस डे।